सांसद अजय मिश्रा बोल रहा हूँ। लखीमपुर जनपद ने जहाँ कोरोना संक्रमण से निपटने में एक बड़ी सफलता हासिल की, आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमारे पास कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ साथ ऐसे भी कोई लोग नहीं बचे हैं जो क्वारंटीन हो या आइसोलेट किए गए। जो नियमता नमूनों की जांच होती है वो हो रही है और अभी तक निगेटिव ही आए हैं। इसमें हमारे जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल के सपोर्टिंग स्टाफ है, पत्रकार बंधु हैं, पुलिस है और प्रशासन के साथ साथ आप सब लोगों ने बहुत अच्छा योगदान किया है, जिसकी वजह से आज लखीमपुर कोरोना मुक्त हो सका है। मैं आप सबको इस के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आपके परिवार का एक सदस्य होने के नाते आपसे ये अनुरोध भी करता हूँ कि ये एक कठिन समय है जिसमें देश संघर्ष कर रहा है और देश में पूरे लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन पूरी दुनिया ने भारत के प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को सराहा है और ये माना है कि भारत कोरोना संक्रमण के विरुद्ध बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। ये आपके सहयोग से ही संभव है। मैं इस अवसर पर आपसे विशेष अनुरोध करूंगा कि हम सब लोग बिना भेदभाव के किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार न करें जो उसको खराब लगे। हम सब लोग अच्छा व्यवहार करते हुए घरों में ही रहें, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें, सकारात्मक विचारधारा रखें। उसके साथ साथ हम लोग ये प्रयास करें कि सफाई पर विशेष ध्यान दें, हाथ की सफाई, शरीर की सफाई, घर की सफाई, इस पर विशेष ध्यान देते हुए ऐसी स्थितियां बनाए रखें जिससे कोई अगर परेशान व्यक्ति है उसकी मदद हो सके, लोगों को भोजन पहुंचाना हो, आर्थिक मदद हो या उसको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो, तो हम सब लोग उसके लिए प्रयास करें। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके सांसद होने के नाते सरकार का भी प्रतिनिधि हूं, आपका भी प्रतिनिधि हूं। हम सब लोगों ने लगातार ऐसे प्रयास किए हैं जिससे हम इस लड़ाई से प्रभावशाली ढंग से लड़ सकें। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण हमारे डॉक्टर्स या पुलिस के लोगों को या प्रशासन के लोगों को कुछ तकलीफ हुई थी और भारत सरकार ने उसको संवेदनशीलता से लिया है और हमने महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 उसको पारित किया है। ऐसे लोगों के विरुद्ध यदि कोई इस तरह का व्यवहार करता है जो उचित नहीं है तो उस पर भी कार्रवाई का हमने प्रावधान किया है। साथ ही साथ आप सबसे अनुरोध है कि बहुत सफलता से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप सब और हम मिलकर के इस लड़ाई को लड़ें और कोरोना से हम अपने देश को बचाएं। भारत जीते कोरोना हारे, इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।